नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में बड़ा तख्ता पलट होता हुआ देखा गया, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और एक बार फिर से बीजेपी बिहार में राज करती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन में शामिल होकर नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन इस दौरान विपक्ष जहां एक ओर नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि आखिरकार कैसे बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दबदबे के साथ साथ निजी जिंदगी भी नीतीश कुमार की काफी ज्यादा दिलचस्प है। राजनीति में नीतीश को भले ही पलटू राम कहा जाता हो, लेकिन शायद ही कोई हो जो संपत्ति के मामले में उनसे सवाल कर सकता है। हाल ही में बिहार सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए संपत्ति के ताजा विवरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 1.64 करोड़ रुपए की चल एवं अचल संपत्ति की जानकारी सामने आई है। उनके पास 22,552 रुपए कैश है, 3 अलग अलग बैंक खातों में 48,000 रुपए जमा है। नीतीश कुमार की कुल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 16,84,000 रुपए है। इसमें 11 लाख की संपत्ति एक फ्रॉड कार शामिल है। उनके पास दिल्ली के द्वारका में 1,000 वर्ग फीट का एक फ्लैट भी है। नीतीश कुमार ने साल 2004 में इस फ्लैट को खरीदा था और अगर बात की जाए उस समय की तो उस समय इस फ्लैट की कीमत महज 13 लाख रुपए थी। फिलहाल इस फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा की है। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उनके पास 13 गाय और 10 बाछा बाछी भी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास 50,000 रुपए कैश है, तो वहीं तेजस्वी की पत्नी राजश्री के पास उनसे दोगुनी राशि है। लेकिन अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो आपको बता दें कि उन्हें सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में हमेशा ही सबसे ऊंचे पायदान पर देखा जाता है। कभी देखा गया होगा कि नीतीश कुमार संपत्ति के मामले में किसी मुख्यमंत्री से पछड़ते हुए नजर आए हों, लेकिन 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने एक बात तो साफ कर दी कि बिहार की सियासत में चाहे पार्टी कोई भी सत्ता में वापसी करती हुई देखी गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर राज सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही देखा जाता है। जहां एक ओर नीतीश कुमार अब कैबिनेट विस्तार की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस अब लगातार रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की इस बड़ी बगावत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जमकर नीतीश कुमार पर अपना गुस्सा निकाला। वो कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार की जरूरत इंडिया गठबंधन को नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए जो संकल्प इंडिया गठबंधन ने लिया था, उसे इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के बिना ही पूरा कर लेगा। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार इस बड़े तख्ता पलट का ठीक राज सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर ही फोड़ दिया। नीतीश कुमार का कहना है कि कोई भी गठबंधन में काम करने के लिए तैयार ही नहीं था और ऐसे में नीतीश के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा और इसीलिए उन्हें आरजेडी के साथ अपने गठबंधन को तोड़ना पड़ा। न केवल आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा, बल्कि इंडिया अलायंस को भी छोड़ने का फैसला नीतीश कुमार ने सुनाया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं और उसी के लिए नीतीश कुमार ने ये बड़ी कुर्बानी दी है। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ ये गठबंधन अब टूटता हुआ नहीं देखा जाएगा। ये वही नीतीश कुमार हैं
जो साल 2022 में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कहते हुए नजर आए थे कि कभी भी बीजेपी का चेहरा नहीं देखेंगे, बीजेपी में वापसी नहीं करेंगे, लेकिन अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नीतीश कुमार हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे। लेकिन नीतीश कुमार के इस तख्ता पलट से आरजेडी काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि अब नीतीश के खिलाफ आरजेडी बड़ी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है ताकि नीतीश कुमार संग बीजेपी के गठबंधन को तोड़ा जा सके। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अब आरजेडी कोशिश कर रही है जेडीयू के विधायकों को बागी बनाने की। लगातार संपर्क साधा जा रहा है निर्दलीय विधायकों से भी कि किस तरह से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को तोड़ा जा सके। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के बाद कहते हुए नजर आए कि खेल अभी बाकी है, जिसके बाद से लगातार चर्चा की जा रही है कि क्या तेजस्वी यादव इस तख्ता पलट का अब मुंहतोड़ जवाब न केवल बीजेपी बल्कि नीतीश कुमार को भी देते हुए नजर आएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव इस वक्त खुद ईडी की रडार पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ये साफ कर चुका है कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए में शामिल हो गए हों, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने संकल्प को भूला नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर देगा और मोदी लहर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तमाम दावों के बीच नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि अब वे एनडीए के साथ मिलकर बिहार की सत्ता पर राज करने वाले हैं। लेकिन यहां पर बार बार ये भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने जो एक बार फिर से ये बड़ा तख्ता पलट किया है, कहीं ये उनकी सबसे बड़ी भूल तो नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने आखिरी समय में पाला बदला हो। लगातार नीतीश कुमार इस तरीके से कई बार झटका देते हुए आरजेडी को नजर आ चुके हैं और इसीलिए बिहार की सियासत में नीतीश को पलटू राम कहा जाता है। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो कुछ समय पहले यही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एनडीए में शामिल होने के बाद अब यही नीतीश कुमार बीजेपी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि चाहे नीतीश साथ रहे या ना रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ही जीत होती हुई नजर आएगी। इस बीच अब इंडिया गठबंधन यह भी दावा कर रहा है कि बिहार की सियासत से नीतीश कुमार को बाहर करके रहेंगे। तेजस्वी यादव के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है कि निर्दलीय विधायकों को अपने साथ किया जा सके। इसी के साथ AIIMIM को भी अब आरजेडी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए की सरकार को गिराया जा सके। हालांकि ये होता हुआ नजर आएगा लोकसभा चुनाव से पहले या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।